जम्मू कश्मीर के माछिल में शहीद हुए नितिन सुभाष का महाराष्ट्र में आज उनके पैतृक गांव सांगली में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर सांगली पहुंचा, उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने जहां भारत माता के जयकारे लगाए, वहीं तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को पुष्प अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरे सम्मान के साथ शहीद नितिन सुभाष को सलामी दी गई थी। शहीद नितिन 2008 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। उनके परिवार में पत्नी और दो छोटे बेटे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को कुपवाड़ा में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नितिन सुभाष शहीद हो गए थे। वहीं आज फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। राजौरी में हुई गोलीबारी में देश का एक और बेटा कुर्बान हो गया है, जबकि दो जवान जख्मी हैं। दूसरी तरफ मेंढर सेक्टर के बालाकोट और मनकोट इलाके में भी सुबह से ही सेना के चेक पोस्ट और आम नागरिकों के ठिकानों पर गोलीबारी की जा रही है। हालांकि सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और इस गोलीबारी में हमने आज फिर एक जवान खो दिया है। हालांकि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आखिर में सवाल एक ही है कि कब तक जवान यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। देखते रहिए डीपी लाइव।